दोस्तों हम लोग जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, क्या होता अगर यह 26 जनवरी को ना मनाकर 26 नवंबर को मनाते हैं? ये बात 1950 से 20 साल पीछे 26 जनवरी 1930 की है, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा लहराकर अंग्रेजों का विरोध करते हुए बोलते हैं, अब हमें अंग्रेजों से झुकने की जरूरत नहीं है, हमें पूरी तरह इंडिपेंडेंट चाहिए। हालांकि इस समय पूरी तरह आजादी नहीं मिली थी, लेकिन इसे मिनी इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है। और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। लगातार 1930 से 1939 तक स्वाधीनता दिवस को मनाया गया। फिर इसी वर्ष 1949 के नवंबर महीने में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि स्वाधीनता दिवस का तात्पर्य स्वयं के अधीन हो जाने से है, लेकिन संविधान बन जाने के बाद आप स्वयं के नहीं बल्कि संविधान के अधीन है, जिसे 26 नवंबर में लागू करने पर लोग इसका विरोध कर सकते थे, क्योंकि सभी लोग स्वाधीनता दिवस को 20 वर्षों से मनाते आ रहे थे। तब इस पर सोच विचार करके 2 महीने के बाद संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू